तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सॉर्टिंग का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने सॉर्टिंग पढ़ाई थी लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ा पाए थे, तो आज हम आपको सॉर्टिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसा कि कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम जब भी डेटा को सॉर्ट करते हैं तो डेटा को किसी एक एंगल पे, किसी एक कलर पे, किसी एक आइकन पे हम उसको अरेंज करते हैं। उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ सॉर्टिंग के ट्रिक्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉर्टिंग हम जो लेफ्ट टॉप टू डाउन करते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी अगर सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे मंथ नेम है, मंथ कर देता हूं मैं, मंथ है और सेल है, और यहाँ पे है मार्च, और यहाँ सॉर्ट जो करना है सॉर्ट जो करना है वो टॉप टू डाउन नहीं, टॉप टू बॉटम करना है। लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट करना है, टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट करना है। तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं, अपने शॉर्ट में जाते हैं और यहाँ ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना होता है लेफ्ट टू राइट एंड ओके। और फिर यहाँ पे अब देखिए, जब भी आप लेफ्ट टू राइट की सॉर्टिंग करें तो अपना हेडिंग सेलेक्ट ना करें, वरना वो हेडिंग को भी सॉर्ट कर देता है। हेडिंग को रीड करने का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। ओके तो मैं रो वन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ अल्फाबेटिक एंड ओके किया, आपका सॉर्ट हो गया। तो टॉप टू डाउन और राइट टू बॉटम भी कर सकते हैं। इसके बारे में क्या बेनिफिट है हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स के ऊपर। जैसे कि हमारे पास एक डेटा है, मैं फालतू सी डिलीट कर देता हूँ। तो डेटा है, अब मैं चाहता हूं इसमें हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना, हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो। तो एक एक करके करेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी सर। तो यहां पे हम यूज करेंगे हम सॉर्टिंग का मेथड, मतलब कि ये तो डेटा का यहाँ पे सीरियल नंबर देते हैं और यहाँ पे वन एंड टू सेलेक्ट करके सीरियल नंबर दे देते हैं। यहाँ पे डेटा काफी बड़ा है सर, इतना बड़ा डेटा पे दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत में काफी बड़ा हो जाएगा, इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा डेटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं और सॉर्ट करते हैं। हमने क्या किया, डेटा के लास्ट में एक कॉलम नंबर, सीरियल कॉलम नंबर का यहाँ पे यूज कर लिया, फिर इसी सीरियल नंबर को नीचे एक बार रिपीट कर दिया। तो मुझे एक रो इंसर्ट करना है, इसलिए हमने एक एक बार रिपीट किया, अगर दो करने हैं तो दो बार रिपीट करूंगा। अब मेथड क्या कहता है कि मान लीजिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करेंगे तो क्या करेगा, वन और वन, यहां भी वन है और आपका नीचे भी वन है, दोनों को क्या करेगा एक जगह ला देगा। तो एक वन पे डेटा है, एक वन पे ब्लैंक है, एक ब्लैंक और एक कलर आपका आ जाएगा। तो यहां पे सॉर्ट में कस्टम सॉर्ट, और हम इसको सीरियल नंबर वाइज लेते हैं और ऐसा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। ठीक है ग्रेट, सर, फिर बाद में यस। इसको डिलीट कर दीजिए। अब इससे एक और सवाल उठता है कि आप जब डेटा कहीं से आपके पास आता है तो उसमें 10-15 रो के बाद ब्लैंक रो होते हैं, मैं बहुत सारे ब्लैंक रो होते हैं। अब उस ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो फिल्टर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्टर के इस्तेमाल करने से दिक्कत का दो दिक्कतें आती है, पहला कि आपका फाइल बड़ी हैंग हो जाता है, स्लो वर्क करता है, दूसरा कि पीछे के भी डेटा डिलीट होने के चांसेस होते हैं। तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर ले मैनुअली पूरा डेटा को, और फिर कस्टम में जाए सॉर्ट, और किसी एक के अकॉर्डिंग से आइडिया, किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर दे। तो सॉर्ट करने से होगा क्या कि आपकी जितने भी ब्लैंक रो डिलीट नहीं होगी,
ब्लैंक रो नीचे चला जाएगा, दिख रहा है आपको सर? ओके रो ऊपर आ जाएगा, ओके तो आपकी इससे जरा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं इस तरह के चीजों पे, तो जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको हर तीन के बाद टोटल सब टोटल के लिए ऐड करना है, ग्रैंड टोटल लेना है बीच में, बीच में, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जगह जगह पे। तो एक होमवर्क इसमें नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। होमवर्क ये है, अभी हमने आपको बताया कि हम एक रो के बाद एक रो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर दो या तीन चार रो इंसर्ट कर सकते हैं, जितना बार कॉपी पेस्ट करोगे उतना बार रिपीट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर तीसरे के बाद एक रो इंसर्ट हो, ठीक है? ठीक है, अब इस पे आपको रिसर्च करना है कैसे होगा, नोट कर लिया? ठीक है। तोमर जी मनोज जी आए तो थे, चले गए? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, नोटेड है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला, अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे से मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की सेल लिख देता हूँ, बीस प्रोडक्ट भी डाल देता हूँ, ऐसा हो सकता है बहुत सारा हो लेकिन मैं 20 डाल देता हूँ। और फिर यहाँ रैन बिटवीन करता हूं और हमने कुछ नंबर्स ले लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करके वैल्यू कर देता हूं, हो गया? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर्स जो आता है, अब उसमें इसमें इसका परसेंटेज भी शो करना है, टारगेट परसेंटेज। तो सबको टारगेट दिया गया है, वो दिया गया है 70, कि 70 इज द टारगेट। तो मुझे हर कॉलम के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा और इसमें मुझे टारगेट लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लिखना पड़ेगा, और फिर इसको डिवाइड बाई 70 और फिर इसको मुझे फॉर्मेट में यूज लाना पड़ेगा, ठीक है सर? अब देखिए 5-10 है तो 10-20 है, तो अब एक को करने में तकरीबन 30-35 सेकेंड आपको लगेगा, 20 है मतलब कि 5-7 मिनट लगेगा, क्या 5-7-10 मिनट लगेगा। अगर 200 हो तो और भी ज्यादा लगेगा, और से बड़ा भी हो तो और से भी ज्यादा लगेगा, तो इसका कोई तरीका होना चाहिए। तो चलिए इसका तरीका हम सॉर्टिंग में ढूंढते हैं। हमने एक रो इंसर्ट किया ऊपर में और फिर उसके ऊपर मैं यहां पे 1, 2, 3, 4 इस तरह का डाल देता हूं, डाल दिया, और फिर इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं और नीचे परसेंटेज का हेडिंग डाल देता हूं, तो फिर मैनुअली डालना पड़ेगा आपको, ठीक है? और एक यहां है तो इसको भी मैं कुछ लिख देता हूं ऐसे ही, या आप कुछ भी लिख दीजिए एबीसी। फिर मैं अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूं, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करूंगा, ये मैंने पहले बताया था, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ कस्टम शॉर्ट ऑप्शंस लेफ्ट राइट, और यहाँ पे मैं रो नंबर 1 शॉर्ट करता हूँ। तो आपने देखा, यस, एक एक रो इंसर्ट हुआ तो मेरा आधा काम तो हो गया, फिर भी आधा काम बचा है कि हर नंबर को डिवाइड करना 70 से और परसेंटेज का सिंबल देना, आधा काम ही हुआ है। तो हमारे पास फाइंड एंड सिलेक्ट में ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप अगर यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में जाए तो गो टू ए स्पेशल होता है, इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। मैं बोला कि मुझे नंबर सिलेक्ट करना है, तो जितने भी नंबर है वो सारे नंबर सिलेक्ट हो गए, ठीक है? स्पेशल, इसमें मैंने बोला कि नंबर सिलेक्ट करना है एंड ओके किया,
तो पूरा नंबर सही नंबर फॉर्मेट में है, ये नहीं है, नहीं माफ कीजिए नंबर फॉर्मेट में, यहाँ नंबर नहीं किया हुआ था, हमने फॉर्मूला किया हुआ था, सॉरी फॉर्मूला में जहाँ जहाँ फॉर्मूला था वहां आ गया, मैं नंबर करता हूँ कॉन्स्टेंस में हमने बोला कि भाई टेक्स्ट सेलेक्ट ना करे, लॉजिक ना करे, एरर ना करे, सिर्फ नंबर करे। तो देखिए सॉरी सिलेक्शन पहले से था, हमने कंसेंस में गए और सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो नंबर सिलेक्ट हो गया। तो जो मर्जी चाहे वो मर्जी यहाँ पे सिलेक्ट करवाया जा सकता है। तो जब ब्लैंक है मैं सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल जी किया और स्पेशल में गए और यहाँ पे हमने ब्लैंक को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, तो जितने ब्लैंक्स थे वो ब्लैंक सिलेक्ट हो गया। ओके अब एक चीज और यहाँ पे देखिए कि अगर कोई ब्लैंक आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर रखा है फिर भी आप इसमें टाइपिंग कर सकते हो जो आपका एक्टिव सेल होगा, तो जब ये सिलेक्ट करते हैं तो होता है ये आपका D4 से J16 इन द सिलेक्टेड सिलेक्शन हो गया और आपका C4 एक्टिव सेल हो गया। अब इसमें नॉर्मल एंटर आप मारते हैं तो ठीक है अगला टाइप करने का मौका दे देगा, लेकिन टाइप करने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो इसको कॉपी करके पूरे सिलेक्टेड एरिया पे पेस्ट कर देगा। कंट्रोल एन, कंट्रोल एंटर, ओके कंट्रोल एंटर, ठीक है ठीक है। तो वही चीज है यहां पर आते हैं कि हम इसको सिलेक्ट करके डिवाइड बाय 70 करते हैं और इसमें हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। तो बाकी सब में कॉपी पेस्ट हो गया लेकिन ये डेसिमल में आ रहा है, हमें इसको परसेंटेज में करना है तो सिलेक्ट करके मैंने परसेंटेज डाल दिया, परसेंटेज यहाँ पे कर। अब फिर अब मैं इसको ऊपर वाले को डिलीट कर दूंगा और हमारा डैशबोर्ड तैयार हो गया। बिल्कुल, तो एक काम जो काफी लेंदी था उसको हमने एक शॉर्ट तरीके से कर लिया इसकी मदद से। जी इसमें कोई डाउट नहीं सर, एकदम बढ़िया सर, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। ओके अब बात करते हैं फिल्टर की, तो फिल्टर इस्तेमाल करते हैं आप सर? बिल्कुल, फिल्टर तो बहुत यूज होता है सर। तो फिल्टर में चलिए, फिल्टर में कुछ चीजें बता देता हूँ, हालांकि कोई खास इसमें है नहीं। तो फिल्टर में तीन फिल्टर होता है, नंबर फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर एंड कलर, नहीं कलर फिल्टर भी होता है, नंबर फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर एंड डेट एंड टाइम फिल्टर। मतलब कॉलर में टेक्स्ट है तो आपका टेक्स्ट फिल्टर आएगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट चाहिए वो ले लीजिए, या फिर कंडीशंस है वो कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हो आप। फिल्टर बाय कलर करना, अगर इसमें कोई कलर है तो कलर बाय फिल्टर भी कर सकते हो, वो कलर बाय फिल्टर सब में होता है। उसी तरीके से आपके पास नंबर है तो नंबर में भी आप जो नंबर सेलेक्ट करना चाहो या फिर कंडीशन लेना चाहते हो कि इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपने दिया था उसी भी आप पे आपको फिल्टर कर देगा। दो कंडीशन चाहिए तो कस्टम फिल्टर में चले जाइए, वहां पे आप दो कंडीशन पाल कर सकते हो, ठीक है ओके एंड और की मदद से। उसी तरह से हमारे पास डेट फिल्टर में आते, तो डेट फिल्टर में क्या होता है कि ईयर बाय ग्रुप हो जाएगा आपका, और ईयर पे जब क्लिक एक्सपेंड करेंगे तो फिर मंथ, मंथ को एक्सपेंड करेंगे तो डेट, और डेट में अगर टाइम वगैरह भी है तो टाइम में आवर, मिनट, सेकेंड भी स्पेंड इस तरह से एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग चले तो ये आपका कंडीशन है, जैसे कि इक्वल पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डेट से पहले या बाद में या बिटवीन दो डेट के बीच में, तो ये तो आप अपने हिसाब से फिक्स डेट डाल सकते हो। उसके अलावा सिस्टम डेट है, जैसे टुमारो कल की डेट को हाईलाइट करना है, टुडे आज की डेट को हाईलाइट करना है, स्टरडे कल की डेट को हाईलाइट करना है, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, ये आपके सिस्टम डेट से चलेगा और सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब इसमें जैसे नेक्स्ट ईयर अगला साल, दिस ईयर इस साल, और लास्ट ईयर प्रीवियस साल, और यहाँ पे ईयर टू डेट। अब दिस ईयर में क्या हुआ कि 2019 का पूरा डेटा दे देगा आपको, लेकिन ईयर टू डेट अगर करते हो तो 1 जनवरी 2019 से जो जिस दिन फिल्टर लगाते हो उस दिन की डेट तक का ही डेटा को फिल्टर करेगा और फ्यूचर डेट को फिल्टर नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि आपका डेटा कई सालों का है
और आपको क्वार्टर वन लेना है, क्वार्टर टू लेना है, या फिर जनवरी लेना है सारे साल का, तो यहाँ पे ऑल डेट इन पीरियड से क्वार्टर वन सिलेक्ट कर लिया। अगर डेटा तीन साल का है जैसे 2017, 18, 19 तो वो क्या करेगा, 1 जनवरी से 31 मार्च तक 2015 का भी, 2016 का भी और 2017 का भी, या जो 17-18 जो भी डेट ईयर से वो ईयर के ले लेगा, और सेम पीरियड ये भी आगे आपको फॉलो करता है। ठीक है सर? ठीक है, यस। तो ये आपका फिल्टर हो गया। लेकिन फिल्टर में एक चीज और भी होती है, जैसे कभी कभी फिल्टर के डेटा आप कॉपी करते हो तो पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाता है। जैसे मान लीजिए ना, मैंने फिल्टर जब होता था क्या करता है कि हिडन हाइड कर देता है। अब इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हो तो हर बार नहीं, लेकिन बहुत बार आपका ये डेटा पूरा पेस्ट हो जाता है। जब भी आप फिल्टर का डेटा कॉपी करें और डेटा लार्ज हो तो आप एक काम करें, यहाँ स्पेशल में जाएं, गो टू स्पेशल, और यहाँ पे देखिए विजुअल सेल्स ओनली है, उसको सेलेक्ट कर ले, ओके कर ले, और इसको कॉपी करके फिर पेस्ट करें। तो इसका बैकएंड का डेटा फिल्टर नहीं होगा, तो कॉपी नहीं होगा। मतलब पहले पहले फिल्टर लगाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, हाँ, फिर गो टू स्पेशल में जाके विजिबल सेल्स करेंगे, उसके बाद में पेस्ट करेंगे। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने, मुझे यहाँ पे मान लीजिए पूजा का डेटा चाहिए, तो मैंने पूजा को फिल्टर किया। ठीक है, फिर इसको हमने पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल पे गए स्पेशल, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया विजुअल सेल्स ओनली, ओके एंड ओके। फिर इसको कॉपी किया, फिर जहां इसको पेस्ट करना चाहते हो वहां आप पेस्ट कर दो। और जब भी आप डेटा कॉपी करते, मान कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डेटा मर्ज, हम लोग एमयूसी प्रॉब्लम बराबर हो जाती थी है कि मेरे पास डेटा जो होता था 15-20 फाइलों में आता था, और डेटा को इकट्ठा मर्ज करना होता था। शुरुआत में मुझे वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे। अब किसी ने डेटा मुझे भेजा, उसने फिल्टर लगा के फाइल सेव कर दिया, तो उसका मतलब को डेटा फिल्टर ही रह जाता था, और कॉपी करते समय इसका ध्यान नहीं रखते थे कि डेटा फिल्टर है। तो याद रखिएगा कि जब भी डेटा ओपन करें, अगर आपका ये ब्लू निशान आ गया, दिख रहा है ब्लू निशान, हाँ जी, इसका मतलब डेटा फिल्टर है आपका। ओके, ठीक है ना? तो अगर फिल्टर डेटा लेना है तो ठीक है, नहीं अगर आप ओवरऑल डेटा लेना है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो होम मेनू मेरे तरफ से खत्म हो गया है, तो आप क्या करें, एक बार क्लिपबोर्ड से लेके एडिटिंग तक जाएं और उसमें हर एक ऑप्शन को देख लें कि कौन सा ऑप्शन आपको नहीं आता है। जो ऑप्शन आपको नहीं आता है उसकी एक लिस्ट बना ले, और कल इस पे हम डिस्कस करेंगे, फिर हम मूव करेंगे अगली कैटेगरी, मतलब कि इंसर्ट फॉर्मूले की। ठीक है? ठीक है। तो और जो मैंने आपको होम दिया था रिसर्च, वो रिसर्च कर लीजिएगा, वो हो जाएगा, उसी को टेंशन से तो मैं कर लूंगा। ठीक है, और कुछ पूछना है, कोई डाउट वगैरह है? सर डाउट तो कुछ नहीं है, वो पूछ रहा था मैं कि VBA अगर अभी स्टार्ट नहीं करना तो एटलीस्ट MS Access से स्टार्ट कर लेते हैं।